क्योंकि सबसे अच्छी सबसे 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 अच्छी बताऊंगी कि मेरी शादी को एक ही दिन हुआ था। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बीसी के। तो स्टार्ट बेटे ऐसे तो नहीं होता है। सरियातों जोड़ू देखो बड़े चाड़ दो थारी मारी कर रहे हैं। फीस भी भरनी है स्कूल के अगले महीने। बहुत तेज हो रहे हैं। ठीक है बड़े चाड़ फेंट लिए थे पत्ते। फेंट लिए थे चंगा आमलेट बना लिए। कितने बेटे के बेटा अब सही बोलो। गाइस के सामने तो होना चाहिए ना चीटिंग होगी तो। गाइस ऐसे करके फेंटते हैं ना। हाँ ऐसे करके फेंटते हैं जी। देखते रहिए आप इसकी चीटिंग। ये नीचे पत्ते दिख जाएगा इसलिए ना जाना नहीं। चलो अब हम यहाँ पे अपने पत्ते रखते हैं। बेटा साइड में हो जाएगा। मम्मी साइड में हो जाओ। किसकी बारी आनी चाहिए गार्गी सबसे पहले। और गेम स्टार्ट करने से पहले वो करते हैं ना क्या करते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं जो भी बोलते हैं पर मेरी लेडीज फर्स्ट। ओके लेडीज फर्स्ट। सो जय माता दी। ठीक है उनका उधर देना है। पंजी भाई ईट की डिंग डिंग लाक लाक डिंग डिंग लाक लाक डिंग डिंग लाक लाक टिंकू तो गियोरे। सो गाइस टिंकू की कमी ये है कि जब हम कहीं जाते हैं तो मैं इनको घर से निकलते ही बोलती हूँ कि हाँ वहां जा रहे हैं तो वहां के लिए हमें कोई फ्रूट लेना है कोई फ्रूट लेना है कोई फ्रूट लेना है। ठीक है 50 दुकान चली जाएंगी लेकिन बोलेंगे आगे ले लेंगे ना आगे ले लेंगे ना। और आगे जाते जाते हम मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम खाली हाथ गए हैं किसी के घर गए हैं तो इसलिए मुझे इस टाइम पे उनको बहुत गुस्सा आता है उनकी बहुत गंदी आदत है। तो इसी बात पे कहूं बहुत गड़ा पानी है। गैर जिम्मेदार बेकार काम जो मम्मी यस मम्मी हां मम्मी गाइस तो अभी अब मैं भी हुई थी तो दोबारा से मेरी बारी आती है। मेरे को भी ला करती हूं मैं पापा को भी खाऊंगी। अच्छा नहीं मारी मारी फोर ईट साइड ईट बोलते हैं इसको चिड़ी बोलते हैं चिड़ी का चुग्गा। ओके मुझे नहीं आता ईट का छक्का भाई। तो भाई मैं बताता हूं ए बेटा किसको मैं बताता हूं आपको होता क्या है भाई। मैं जिसको जिस काम ही कहता हूँ ना इसने वो काम करना ही नहीं भाई। मैं भी बड़े दिमाग तो कोई सीखा था पर ना इसने वो काम नहीं करना। इसने गैर जिम्मेदार बेकार काम जो करने का नहीं होता वो काम ये करती है और मेरा काम ही बिल्कुल नहीं करती। तो मेरे को इस बात पे लगता है कि भाई ये बात बिल्कुल गलत करती है। इसको पहले मेरी बात सुननी चाहिए मेरा काम करना चाहिए। जय माता दी जय माता दी मिलकर बोलो जय माता दी आवाज नहीं आई जय माता दी। अब तो टिंकू गयो गयो रे। अच्छा तो सेकंड बात ये आती है कि जब कोई बात आती है समझाने की या कुछ बताने की तो ये साहब जो हैं ये बहुत ज्यादा लेक्चर दे देते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता।
और कहीं बाहर बैठे होते हैं या कहीं घूम रहे होते हैं, किसी किसी कोई घर पे आया होता है उसके सामने जब ये बोलते हैं और मैं चुप करवाती हूँ, मैं इशारा करती हूँ, ये चुप नहीं होते, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे ये सेकंड बार इनकी बहुत गंदी लगती है। जय हो। हमको अकेला घर बार बोला जाता अगला बंदा बोर हो जाता है, सोचता हूँ यार कब चुप होगा यार, फंस गया। ले फिर वही आ गया, तो कोई बात ना। ये डिंगू की बारी आ गई। डिंगला 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 कितना है। तो मेरा एक का गया है गुमका, आपने देख लिया होगा। तो गाइस जो इनकी सबसे गंदी जो मुझे आदत लगती है, देखो एक होता है ना कि रोक टोक, लेडीज पे जब रोक टोक होती है ना, वो उस चीज से बहुत इरिटेट होती है। जब एक बार ये बोल दिया कि मैं टेलर के पास जा रही हूँ, मेरे को काम है, तेरा काम तू बाद में कर लियो, पहले मेरा काम कर। क्यों भाई, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पहले मैं अपना काम करके आऊंगी ना, फिर घर पे आके अपना दूसरा काम हो जाएगा। जो वो बाहर का काम है, ये घर का काम है। इस वजह से ये चीजें हमारे बीच बहुत बार होती है। तो मैं तो सब पतियों से यही कहूंगी कि कोई ऐसे मत करा करो अपनी बीवियों के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं काम की बात करता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है, ठीक है, मैं गलत बात जी नहीं, मैं इसी से बहुत गुस्सा होती हूँ। गजब बेइज्जती है। ओ, ला ला ला, ला 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 ला, मजे आएगी रे, क्या गेम है रे गाइस। गाइस आप सब भी खेलना, मजा आएगा। ओके, मेरा रह गया एक। सेवन, मुझे ये नहीं पता ये सब क्या होते हैं, बट सेवन, एट का सेवन, एट गाइस। एस्किटो गाइ। ओ मेरा दिन है आज, तो मैं झूमू नाचू घूमू फिरू जो मर्जी करूं, तेरा क्या जाता रे बेटा। हमें पास एक ग्लास बचा हुआ है। हाँ, फाइनल राउंड का पापा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और बताऊंगी गाइस, ये जब मम्मी आती है ना, तो मम्मी के सामने बोल देते हैं, मम्मी या तो रोटी ना बना कर देती, मम्मी या तो सब्जी ना बना कर देती। मेरे घर जाएंगे, मेरी मम्मी को भी ऐसे बोलेंगे, यो रोटी कहाँ बना कर दे, इसने कहाँ रोटी बनानी आवे। कंट्रोल कंट्रोल। 9 साल हो गए हैं गाइस मेरे को, 9 साल, ठीक है। अगर मैं खाना नहीं बनाना होता तो 9 साल में तो आदमी हाथ जोड़ लेता, मैं कहता जा तू जा यहाँ से निकल, 9 साल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीज मेरे को बार बार बोलते हैं कि तेरे को खाना नहीं बनाना आता, तेरे को रोटी नहीं बनानी आती, तेरे को काम नहीं करना आता। इस चीज से भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि 9 साल हो गए मेरे साथ ही रहते हैं ये, ठीक है, और फिर भी मेरे अंदर कमियां निकालते हैं। गाइस मैं कुछ नहीं बोलता, मेरा नंबर नहीं आ रहा था, मैं कोई फंस गई चीज पे। हां थैंक यू, को फिर से भिगोए रहे हैं। ओ लगा ना, पापा की मम्मी पापा के बच्चे भी तो ऐसा करते हैं। तो भाई चल खा तू रहा लग गया ना, ना ये तुम्हारा हो गया शो क्योंकि 5 साल पहले टिंकू के हाथ पे चोट लगी थी, जिससे कि ये सारा हाथ कटा हुआ है, तो चोट ज्यादा लगी लेकिन इनको फील नहीं हो रहा, तो मजाक में ऊ लाला रे मेरा दिन है रे। सो साइज कैसे ऊपर क्या होता है, कुछ भी नहीं, चाहे कितना ही ले लो आप। सो गाइस दिस इज मॉम का, दिस इज डैड का, तो हार चुके हैं पापा और मॉम इज विनर। यस, फिर से बारी आ गई है टिंकू की। तो टिंकू की कमी ये है
कि मैं टिंकू को बोलती हूँ ना, टिंकू आज संडे है, बच्चों को घुमा के लाते हैं, चलो ना प्लीज। छोड़ देना यार, के करेंगे यार आज वहाँ, चलो ना यार, छोड़ देना यार, देख लेते, देख लेंगे यार। टिंकू बच्चे छुट्टियां पड़ रही है, चलो ना वहाँ चलते हैं। अरे यार वो तो नू है, वो तो नू है, के करेगी वहाँ ऐसा वैसा। और ईब जो है अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही साहब जी ने टूर बनाया, तो इतनी दूर का बनाया कि मुस्कान घर पे आए और मेरे पैर पकड़ के बोले, पति देव मुझे आज के बाद घूमने नहीं जाना। तो मुझे ऐसी जगह घुमाने लेके गए, ले लद्दाख, जहाँ पे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, पहाड़ पहाड़ पहाड़। इसलिए मैं थक भी गई थी कि मुझे घर से बाहर कहीं नहीं जाना, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो शायद अब बात समझ आ रही है ये बात, कि शायद इसीलिए मुझे वहां लेके गए थे कि तू आज के बाद घूमने का बोलेगी ही नहीं। ओम जय जगदीश हरे, सारे बोलो 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 रे। मम्मी दो गिलास रह रही है। जय हो पति देवा, दो गिलास बारी बारी। हाँ, मैं तो गई हूँ रे बाबा, मैं तो गई हूँ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। So guys, इनकी जो मुझे सबसे 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 ज्यादा बुरी बात लगती है वो ये लगती है कि मेरे जब बच्चों को ये डांटते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे आग लगती है। मेरे को भी बहुत आता है। माना कि बच्चों की गलती होती है, भाई पापा हैं, बच्चों को डांट सकते हैं, लेकिन मैं माँ हूँ तो मुझे बहुत गंदा लगता है कि पापा क्यों डांट रहे हैं, मैं डांट दूंगी, आप मत डांटा करो। लेकिन मुझे उस टाइम पे गुस्सा आता है, बाद में समझ आता है पापा ठीक है, लेकिन वो जो गुस्सा आता है उसी गुस्से के लिए ही मैं इन पे जय हो 1 2 3 ऑफ हैंड 9 So guys, अब ये अच्छी बात के लिए बोल रहे हैं, तो अच्छी बात ये है इनकी कि एक होता है ना कि कई लोग बोलते हैं, सुना भी है, मेरे मुंह पे भी बोला है कई लोगों ने, कमेंट्स भी आते हैं और रिश्तेदारी भी बोलती रहती है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो मैं उस चीज को क्लियर कर देती हूँ। कमेंट में भी लोग बोलते हैं हमारी जोड़ी को लेके, तो जो हमारी जोड़ी है वो बहुत ही परफेक्ट जोड़ी है, मुझे इनसे अच्छा नहीं मिलने का, इनको मुझसे अच्छी नहीं मिलने की, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारा प्यार बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपस में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, और बॉन्डिंग हमारी इतनी अच्छी है कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं, भगवान करे इनकी बहुत लंबी उम्र हो और ये ऐसे हमारे साथ रहें और हम ऐसे तरक्की करते रहें और आप सब लोगों का प्यार बना रहे ऐसे ही। तो तेरे भी बहुत मुंडी है, अब मेरे ऊपर फिर भी पानी गिलास मारेगी। थैंक यू पति देव, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, ठीक है। एक चीज इनकी सबसे अच्छी, सबसे 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 अच्छी बताऊंगी कि मेरी शादी को एक ही दिन हुआ था और दूसरे दिन मेरे पापा आए थे यहाँ पे, तो मेरे पापा मेरे पास सामने बैठ के रोने लग गए थे, तो इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली थी जो मेरे दिल को आज भी छूती है कि पापा जी आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी को जब आप कहोगे तभी आपके पास लेके आऊंगा, जिस टाइम कहोगे उसी टाइम लेके आऊंगा, कभी आपकी बेटी को दुखी नहीं रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। तो वो चीज़ इन्होंने पूरी की है, हमेशा मैं जो भी चीज़ बोलती हूँ उसी चीज़ को, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर तू तेरा जो जी कर रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हाँ बोल देते हैं। गाइस जो रोने की है, कहीं जाने के लिए बोलती हूँ वहाँ भी तुरंत हाँ बोल देते हैं, इमोशनल हो गए गाइस, जो रोने की है उसके लिए बोलती हूँ, उसके लिए भी तुरंत हाँ बोलते हैं, रोने की भी हो जाए ठीक है। तो ये चीजें बहुत अच्छी है इनकी, यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज हमारे उस पे गलत कमेंट मत किया करो, अच्छे कमेंट किया करो, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा अच्छे इंसान है। थोड़ी बहुत देखो सबके बीच में होती रहती है, बस जो हमारी बीच होती है। दो फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अगर ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगे, देखो भाई ये थोड़ी प्रैंक की हमने थोड़ा कोशिश की है, आपको अच्छा लगे तो बताना, आगे से और भी अच्छे अच्छे हम लेके आएंगे, चैलेंजेस लेके आएंगे, प्रैंक्स लेके आएंगे। तो करना ना भूले, और शेयर जरूर करना। बाय गाइस।